आर्यन सर, यस सर। आज आपका वो डीएस नहीं है क्या? सर डीएस अगले पीरियड में है। अगले कितने बजे से है? डीएस नेक्स्ट पीरियड है। क्या है? डीएस नेक्स्ट पीरियड है सर। अरे तो मेरे को बोला गया कि लैब लीजिएगा सर, क्योंकि डीएस लेना है अभी। क्या हो रहा है भाई, अभी डीएस नहीं है क्या मैम? अब सॉरी, डीसी प्लस प्लस अभी है? हाँ, लैब वाले टाइम पे तो सी प्लस प्लस है ना आप लोग का? हाँ, लैब ही है। देखते हैं सर। एक बार इसे वो देखे तो नया वाला जो गया होगा आपके पास। सी ही दिखा रहा है सर। सी और उस बी एस सी आई टी वाला नहीं गया है आपके पास? सीआईटी है सर, उसमें ही सी दिखा रहा है। सी दिखा रहा है। एक मिनट जरा सा होल्ड करो, मैं देख के आता हूँ। देखिए तो क्या है वो थर्ड ईयर में। हाँ, नया वाला गई है, रुक के देख रहे। अरे इसी वजह से मैंने तो अभी स्टार्ट किया है जी आपका लैब, कि आपको सी प्लस प्लस में ज्वाइन करना था थर्ड ईयर वाले में। यस सर, बट अभी तो क्लास ही नहीं था। भाई देखने गई है मैम लोग को। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को है। एक सेकंड रुको ना, मैं देख रहा हूँ। बीसीएससी लैब, बीसीए नहीं मैम, बीएससीआईटी। अरे आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना? यस सर। यस यार आज सर। तो शिट, कल था आपका सी प्लस प्लस यस सर, है कल ना, था। वेंसडे। ओ क्या करे, लैब भी कर लो आज भर, क्या करोगे, यस सर। चेंज कर दिए ये बस। कल आपका है सी लैब के जगह पे आपका सी प्लस प्लस, समझे, वेंसडे ये सब को। कल है और कल था, सैटरडे को भी है सर, मतलब फ्राइडे को भी है। यस फ्राइडे को भी है। सर। सेकंड, नहीं जी, फ्राइडे को तो है ही आपका 1 बजे से, हाँ वही फ्राइडे को है मेरा। 10 बजे से तो सी प्लस प्लस है आपका, हाँ और वही उस सी टाइम पे प्लस प्लस बीसीए में कुछ मंडे नहीं है। वेंसडे और फ्राइडे है। यस हाँ, उस टाइम पे बीसीए में 10 बजे से कुछ नहीं है, समझे। सर। ठीक है, ये वेंसडे को चला गया, मेरे को ध्यान था थर्सडे। अच्छा कोई बात नहीं, तो अब क्या, इस पे ज्वाइन कर लें, क्लास ना लेंगे, करवा देते हैं। हाँ बोलो, कौन कौन सा में दिक्कत है? कोई लोग बोलेंगे किस प्रोग्राम में दिक्कत है? बस वो सर मॉड वाला करवा दीजिए, मतलब कौन सा डिवाइड मॉडल? वाला, परसेंटेज का डिवाइड जो आ रहा था ना उसको। यस हाँ वो तो मैं करवाऊंगा ही, वो तो मुझे ध्यान है। इसके अलावा सर, पिछले क्लास में जो दिए थे मार्कशीट वाला बनाने के लिए, जी, वो उसमें मैं नाम करूंगा। वगैरह हाँ वो मैं करूंगा अभी, इसके अलावा पूछ रहा हूँ मैं, इससे पीछे नहीं, कोई इसके अलावा प्रॉब्लम सब है? क्लियर है? नहीं नहीं अच्छा, तो खाली एक ही प्रोग्राम बताना है मुझे, और किसी का कुछ है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, टोटल 19 मतलब 18 लोग हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है किसी भी प्रोग्राम में पूछ लीजिए अभी। सर, पीछे वाला तो क्लियर है सर। ठीक है, स्टार्ट
स्टार्ट करें तो लोग आ ही गए। यस सर। चलो दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। यार एडमिट होने का जो सिलसिला है ना, ऐसे रहेगा तो फिर बड़ा दिक्कत है। लोग अब तक एडमिट ही हो रहे हैं। हाँ तो आते हैं उस पे। तो हमारे को क्या क्या चाहिए था, पहले तो नाम ही ले लेते हैं। नाम ही था ना पहला तो? यस सर। प्रिंटर, सॉरी प्रिंटर, हाँ ठीक है। Enter your name. Scanner. Percentage क्या बताया था? Yes. Double quote, comma. ये रहा, कोमा काम ही नहीं कर रहा है मैडम। कोमा काम नहीं कर रहा है लीजिए। कीबोर्ड भी वैसा ही मिला है। एड्रेस ऑफ एनएम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है एनएम। और देखो जो भी चीज हमको चाहिए होगा, तो पहले स्क्रीन बड़ा कर देते हैं, मुझे दिख नहीं रहा होगा। अब एडमिट होंगे तो हम करेंगे नहीं भाई। फुल स्क्रीन जाने से अजीब सा क्यों हो रहा है मैम? यहाँ का भी सिस्टम सही है। ठीक दिख रहा है जी आप लोग को? यस सर ठीक। डार्क रंग ज्यादा है। हम ही को ठीक नहीं दिख रहा, आपको कैसे ठीक दिख जाएगा? डार्क ज्यादा है सर। अब दिख रहा होगा? यस सर। ऐसा ही करो ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल चाहिए होगा हम ले लेंगे, ठीक है। देखो नेम है हमारा कैर टाइप है, ठीक है। तो कैर एनएम ले लिया और इसके साइज में दे दिया कि हमको मान लो 20 कैरेक्टर तक चाहिए। तो यहाँ पे दे दिया इसके बॉक्स में 20 ले लिया। और बाकी भी जो वेरिएबल चाहिए होगा हम बाद में उसको लेते रहेंगे, ठीक है ना? यस सर। टैब का साइज भी कोई छोटा किया हुआ है। ये देखो टैब का साइज 4 लिखा हुआ है। तब कहें ऐसा क्यों हो रहा है? बताया था ना यहां से करके एक टैब स्पेस। ठीक है बाकी जो वेरिएबल चाहिए होगा हम लोग ले लेंगे बाद में। तो नेम एंट्री करवा लिया, उसके बाद और क्या एंट्री करवाना था पता उस दिन का पैटर्न? मुझे याद नहीं है। मदर नेम, फादर नेम, फादर नेम सर। प्रिंट
इंटर फादर नेम, स्कैन अप करवा लिया, परसेंटेज एस, फादर्स नेम में ले लेते हैं एड्रेस ऑफ एफ एन फादर्स नेम, और क्या था मदर नेम, मदर्स भी था क्या? यस सर। चलो देखिए इसी में खाली दिक्कत है ना, हमको यही ना समझाना है और कुछ नहीं ना है। नो सर। नो सर। ठीक है इंटर मदर नेम, मदर नेम में हो गया, सबको तो दिख रहा होगा, विजिबल है ना, विजिबल में तो कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी सही है। नहीं सर। यस। और अब कर दीजिए एड्रेस ऑफ एम एन एम ओ, कुछ भी डालो, नाम तो नाम ही है। हाँ और बोलो और क्या था? मार्क्स लेना था, मार्क्स लेना था पांच सब्जेक्ट का ना। यस सर। सेशन एंटर एंटर पर, अरे आप ना गड़बड़ा दी हमको, एक मिनट जरा सर रुको जी। इसमें क्या करने जाना है? ठीक है स्टार्ट करते हैं जी। फुल स्क्रीन में झिकझिक हो रहा है। चलिए फाइव सब्जेक्ट मार्क्स लेते हैं, परसेंटेज आप। अच्छा एक बात बताओ इसको क्या मिले, आप ही लोग उस दिन बड़ा सवाल कर रहे थे क्या करें इसको, परसेंटेज डी मिले एफ मिले? सर डी मिलेंगे सर। नहीं जैसे किसी को था ना कि नहीं सर मेरे को मन है 55.8 नंबर आया, किसी का 55.85 आया है इस तरीके का, तो कहिएगा तो मैं परसेंटेज एफ भी ले लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। जैसे नहीं सर इंटीजर। हां इंटीजर इंटीजर। ठीक परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी डी पांच बारी हो गया। अब यस सर एड्रेस ऑफ, अब देखो यहां से ध्यान रखना है
किस सब्जेक्ट का कौन सा नंबर पे हमने लिया है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं किसका, मैथ्स का ले लेते हैं। चलो मैथ्स का मार्क्स आ गए, कोमा एड्रेस ऑफ, उसके बाद मैथ्स के बाद साइंस ले लेते हैं, उसके बाद एड्रेस ऑफ साइंस के बाद एसएसटी ले लेते हैं, उसके बाद एड्रेस ऑफ हिंदी ले लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश ले लेते हैं। हो गया पांचों का, आ गया ना अभी पांचों मार्क्स। अब बताओ अगला काम क्या था हमारा, टोटल टोटल कैलकुलेट कीजिए सर। ठीक है, टी नाम का ही ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा लेने का क्या जरूरत है। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे मार्क्स तो हमारा एंट्री हो चुका अब स्कैनएफ के थ्रू, तो अब एम एस सी एस एस टी एच और ई ये सब में मार्क्स आ गया होगा, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ लेंगे, एम प्लस एस सी प्लस एस एस टी प्लस एच प्लस ई। अब बताओ इतने होने से ई के अंदर हमारा टोटल मार्क्स आ गया होगा, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। यस सर। ठीक है, जब टोटल मार्क्स आ गया तो अब हमको क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, पी ले लेते, ज्यादा बड़ा लेने का जरूरत है। और गड़बड़ यहीं पे हो रहा था क्या, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इंटू जीरो पॉइंट टू चलेगा। अब सोच रहे हैं सब लोग 0.2 क्यों लिए आप, क्या जी क्या सर 0.2 लिए यहाँ पे हम, ठीक है कि गड़बड़ है, 0.2 क्यों 5/10। अरे मान लो किसी का नंबर आया 250, ठीक है सुनो 250 आया, ठीक है 250 डिवाइडेड बाई 500 और गुना में 100 होगा, तो 20 से 20 कट गया, तो 1/5 लिख सकते हैं, 250 इंटू 1/5 लिख सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं हाँ। और 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 0.2 नहीं होता है क्या, यस सर बोलो जी, यस सर। तो 0.2 इंटू टोटल 250, तो 250 इंटू 0.2 कितना हो गया, 50% नहीं आया, नहीं समझ में आया क्या, करके दिखाओ, नहीं आ गया सर, तो दिक्कत है, फिर पूछ रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ, इस पार्ट में किसी को दिक्कत है कि कैसे कर दिया सर, ठीक है। अब फिर से एक बार सुन लो, अगर किसी को दिक्कत है, बेचारा शर्म से बोल नहीं रहा है, तो मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि 250 नंबर आया तो क्या सिखाया था, 250 डिवाइडेड बाई 500 और गुना 100, तो 100 में 20 और 500 में 20, तो दोनों से 2-2 0 खत्म हो गया, तो 250 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, तो 250 इंटू 1/5 जो है, क्या हम 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं, डिवाइड करके देख लेना, 0.2 ही आएगा 1/5 का वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, टी इंटू 0.2 कर दिया, तो अब जो आएगा कैलकुलेट होके वो पी में, वो क्या आएगा आपका, परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर है, यस सर, यस सर, परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या करना था, अगर यही ना पी का वैल्यू, पी अगर हमारा ग्रेटर देन किससे हो, ग्रेटर देन 60, इक्वल टू भी, इक्वल टू 60, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो, तो वो क्या होंगे वहां से, फर्स्ट डिवीजन प्रिंटफ, सीधा इतना ही ना, चल लिख देते हैं, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। बाकी कहानी लिख लोगे ना जो उस दिन सिखाए थे, इसमें
वो भी लिखना पड़ेगा। यस सर। देख रहे हो ना टैब स्पेस कैसे ले रहे हैं, जैसे ओपनिंग हो रहा है देखो यहाँ पे ओपन हुआ था, नीचे किया एक टैब स्पेस, देखो यहाँ पहुंच गया, दिख रहा है ना सबको। अब देखो इसके नीचे आए तो क्या लिखना था, else space if, क्या आप कंडीशन लेना अगला कि p का वैल्यू क्या हो, बोलो ना greater than greater than equal to 45, greater than equal to क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए, and p का वैल्यू क्या होना चाहिए p less than 60 60 हाँ 60 अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे मैंने ओपन किया ना सेकेंड डिविजन, देखो यहाँ पे ध्यान देना ओपन करली ब्रेस किया एंटर मारा और एक टैब स्पेस देखा, देखो सब शेड्यूल में दिखेगा एकदम, प्रिंट एफ सेकेंड डिविजन आ गया। अगला क्या है, फिर से एल सिर्फ चलाएंगे, क्या लिखेंगे कि परसेंटेज का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 30 एंड पी का वैल्यू लेस देन 45 या फिर लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कितना 45 ना 44 तब सही होगा, ठीक है ये हो गया। इसमें क्या चला जाएगा प्रिंटर थर्ड डिवीजन ठीक है भाई। और अब क्या सिखाया था, अब आखिरी कंडीशन बचा तो सीधा एल्स में डालो, क्या हो तुम फेल हो प्रिंट एफ बोल्ड में लिख दो ये फेल है, एकदम बेवकूफ आदमी है ये, फेल हो गया ठीक है। अच्छा एक बात और, जरूरी नहीं है यहाँ पे कैपिटल में ही लिखेंगे, आप स्मॉल में लिखो, ये जस्ट मैसेज है ठीक है, हो गया यहाँ तक। और अब क्या करना था Get CH और खत्म, अभी तत्काल के लिए वाला सिखा रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे, अभी हो गया ये सर। इसमें क्लियर स्क्रीन कहाँ लगाएंगे, लगा रहे हैं अब देखो, अब वहीं पे आ रहे थे, यहाँ तक क्लियर है सब चीज, यस सर। यस सर। अब ऊपर आइए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो जो स्ट्रिंग टाइप का है वो इसमें लिख देंगे कैर वाले में, दिख रहा है, तो कौन कौन सा लिया है, एनएम लिया है 20 साइज का, फादर्स नेम भी क्या ले लेते हैं FN, कितने साइज ले लूं इसका भी 20 ले लीजिए, ज्यादा कर देखो, किसी का फादर्स नेम बहुत बड़ा है तमिल जैसा तो तुम 50 ले लेना साइज, ठीक है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है फादर्स नेम हो गया, उसके बाद मदर्स नेम MON डाला था, नाम बताते बताते दिल्ली पहुंच जाए, वो कौन सा मूवी में था ना जी, वही सर धमाल में, हाँ धमाल में, ठीक कह रहे हो, देखो कैसे याद रहता है तू चलो ठीक है, तो हमारा यही तीनों था कैरेक्टर टाइप, इस तीनों को हमने ले लिया था। अगला हमारा कौन कौन सा है भाई, इंटीजर वाला है। देखो एक अच्छा आदत क्या होता है प्रोग्रामिंग में, मैं आपको बता दूं, क्या करो कि आपको वेरिएबल के बारे में सोचना ही नहीं है स्टार्टिंग में, आप ऊपर में दो स्पेस छोड़ दो लाइन का, और एकदम आराम से अपना प्रोग्राम बनाते रहो, एक बार जब प्रोग्राम बन जाए तब वेरिएबल सोचो ना कि हमने क्या क्या यूज किया, एक बात कोई सोचो कि क्या मुझे ये याद रख सकता है क्या कि मुझे कौन कौन सा वेरिएबल यूज करना है पूरे प्रोग्राम में, मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो तो पहले से आपको याद है कि ये सब वेरिएबल हम यूज करेंगे, सर प्रोग्राम बनने के बाद पता चलता, अच्छा हम लोग ये यूज किए हैं, अब जो जो यूज किए हैं उसको डिक्लेयर कर दीजिए, समझ में आ रही है बात, लिया है एम लिया है कॉमा, साइंस लिया है कॉमा,
एसएसटी लिया है कॉमा, उसके बाद हिंदी क्या है कॉमा, इंग्लिश लिया है, इंग्लिश लिया है, और अब हमने क्या लिया है सर उसमें टी भी होगा ना टोटल का। हाँ 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 टी, हाँ ठीक है टी भी ले लो, सही कह रहे हो, एक टी भी है कोमा टी आ गया, सही कह रहे हो, ठीक है। अब बोलो अब क्या बच गया, फ्लोट वाला, फ्लोट वाला बच गया पी, तो पी को यहाँ पे ले लो। अब बताओ और कोई बचा है, और कोई बचा है? नहीं सर। अब जब सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखा जनरली yes, कहाँ पे यूज करना मैं बताता हूँ, इन केस ऑफ सी ओनली, सी की बात कर रहा हूं मैं, विद टर्बो सी। क्लियर स्क्रीन को लिखना है आपको जब भी वेरिएबल को पूरा का पूरा लिख देते हैं उसके बाद, या फिर प्रिंट स्टेटमेंट के चलने से पहले। ध्यान दिए क्या बोले, देखो यहां तक में हमारा क्या है, वेरिएबल को डिक्लेरेशन है, यहां तक ये हमारा क्लियर स्क्रीन आया, और इसके जस्ट बाद कौन है, प्रिंटेफ। तो प्रिंटेफ से पहले लिखना है और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद। क्लियर है? यस सर। CLRSCR कहां पे यूज करना है? अब आगे हम आपको सिखाएंगे कि मेरा सर मन कर रहा है हमको जहां पे मन करे हम वहीं पे लगाएंगे, आगे अभी नहीं, अभी हीरो बन जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अभी हीरो नहीं बनना है, ठीक है। इतना बात हो गया, अब चले इसको रन करके देख ले, पहले वो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन फेल फेल देता है कि नहीं देता है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे। ये बिल्कुल लगता कोई गाड़ी चला रहा है जी, DRC से जा रहा है। अरे भाई साहब, अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। हाँ क्या नाम से सेव कर दें, मार्कशीट, मार्क्स अंडरस्कोर डाल दो, SHEET। हाँ एक चीज और बताया था मैंने पहले भी कि अगर देखो यहाँ पे दो दो वर्ड का है ना, तो लोग क्या करते हैं मार्क्स अलग लिख देंगे और सीट अलग लिख देंगे, तो पता चलेगा चल भी नहीं कर रहा है सर। अरे सरकार यहाँ पे अंडरस्कोर लेना है, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। थर्ड सी करके ओके आ गया, अब हम रन कर सकते हैं सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपाइलेशन का, कंपाइल कर दी, देखो 00 दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। कोई एरर कोई वार्निंग नहीं, यहाँ पे जाएंगे रन वाले पे, रन करा देंगे। क्या पूछा आपसे, एंटर योर नेम, नेम, हाँ तो नाम क्या इंटर कर दें, चलो राम, सॉरी बाप रे 10 मिनट बचा जी, कितना भाग yes, रहा है। चलो आ रही आ गया, कोई बात नहीं। फादर्स नेम क्या डाल दो, श्याम डाल देते हैं, एस ले लेते हैं। मदर्स नेम क्या डाल दें, गीता सीता जो मन करे डालो ना, जी डाल देते हैं। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स पूछा, क्या डाल दें, 56, 67, 35, 45 और एक डाल देते हैं थोड़ा अच्छा मार्क्स ले आता है 78। देखो तो सेकंड डिवीजन आ रहा है। यस सर। सबको जोड़ के देख लेना एक बार कि सेकंड डिवीजन में लाई कर रहा है भी कि खाली ऐसे ही लाई कर रहा है। इसमें नीचे जो लिखना था कि मतलब आपका टोटल मार्क्स कितना आया और डिवीजन कितना, बाद में ना
अरे पहले ये कहानी तो समझ ले हम। नहीं पहले एक कहानी तो हो जाए, दूसरा कहानी इसके बाद ना। अभी तो मैंने देखो एंटर करवाया है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब अभी कहाँ दिखाया आपको कहीं भी? अभी हम प्रिंटिंग करेंगे, जरा सा ठहर जाए, लेकिन टाइम ही ज्यादा तेजी से भागे जा रहा है। कोई बात नहीं, ज्यादा दिक्कत होगा कल भी लैब करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम करवा देना है अच्छे से। वो पैटर्न जिसमें प्रिंटिंग करके दिखाए थे ना आपको बोर्ड पे, ऐसा ही प्रिंट करवा देंगे आपसे, काहे टेंशन ले रहे। धीरे धीरे सीखिए ना, हड़बड़ाहट नहीं रखना है। ठीक है, सेकंड डिवीजन आ गया, कोई और चेक कर दे। एंटर योर नेम। चलो अब डालते हैं राम, अच्छा लगेगा। श्याम, फादर्स नेम, इसका नाम है गीता। अब नंबर एंट्री करवा, फेल करा दें जिसको, कौन सा कंडीशन चलवाए बोलो, सब चला के देख लो, फेल्स का भी चेक कीजिए, मतलब फेल करवाए इसको, चलो देख लो, फेल भी करवा देते हैं। 20 नंबर आया, फिर 10 नंबर आया, 4 नंबर आया, 40 नंबर ले आया बेचारा, और एक में फिर से 7 नंबर लाया, फेल हुआ ना जी, खाली एक सब्जेक्ट में पास हुआ है बस, बाकी फेल है। तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिख रहा है? यस सर। सर तो और बाकी कंडीशन तो हमको लगता है चला के देख लीजिएगा कि हम चला के दिखा दें कि फर्स्ट डिवीजन और क्या बच गया, थर्ड डिवीजन है ना बचा है, चला लोगे? यस सर हो जाएगा। तो ये सब कीजिएगा। अब हमारा अगला टास्क है क्या कि सर ये तो ऐसे दिखा तो बढ़िया रहा है, लेकिन हमारा मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब तो कुछ दिखाई भी नहीं किया, तो चलिए अब उस पे आते हैं। सर जी जी कहिए सर, एक हाँ, प्रोग्राम में हम ये पी इक्वल टू पी बाई फाइव वन, जैसे सर हम यहाँ पर परसेंटेज इक्वल टू टी इनटू 0.2 लिया है ना? जी जी। तो सर मतलब एक बार हम बना रहे थे तो उसमें p इक्वल टू t बाय 500 इनटू 100 लिए थे, तो उसमें मतलब मेरा प्रोग्राम रन कर गया था, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, मतलब सब दिखा रहा था, लेकिन वही प्रोग्राम हम दूसरा बनाए और फिर से यही वाला लिए तो उसमें नहीं हो रहा है। गलत था वो, बोर्ड पे चलेंगे ना तो बताएंगे आपको क्यों गलत, श्रुति ना? यस सर। हाँ बच्चा, कल जब चलेंगे ना क्लास में तो आपको दिखाएंगे कि क्यों वो गड़बड़ दे रहा था। अगर आपको याद है तो मैं आपको हिंट कर देता हूँ, जाके देखिएगा कि स्लैश क्या करता है, स्लैश का काम क्या है, स्लैश का काम क्या होता है तो सर एक प्रोग्राम में तो मेरा रन ना वो गलती से हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा, लेकिन वो गलत ही है, वो गलत ही है, लेकिन ये एकदम गलत नहीं होगा चाहे आप जिस सिस्टम पे चला लीजिए, क्योंकि ये रूल को वायलेट नहीं करेगा, समझे? इस वजह से दूसरा सिस्टम पे चलाए ना आप, तीसरा पे भी चलाइए गलत ही देगा, चौथे पे चलाइए गलत ही देगा। अब पता नहीं, मैं देख डिवाइड बाय 5 वाला भी सर सही रहेगा, क्या बोल रहे हैं? डिवाइड बाय 5 वाला सर, डिवाइड बाय 5 वाला भी सही हो जाएगा, सही रहेगा क्या? अरे हमको क्वेश्चन अगर दे रहा है तो ठीक ही होगा ना, और चूंकि ये में है ही है, परसेंटेज हमारा जो कैलकुलेट हो रहा है फ्लोट में हो रहा है ना जी, तो फ्लोट में कैलकुलेट करके देगा क्या प्रॉब्लम है, वो भी ठीक है, लेकिन टी बाई 500 इंटू 100 करेंगे तो गड़बड़ दे देगा। कल दिखा देंगे बोर्ड पे, घबराने का जरूरत नहीं है, टेंशन का ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना इधर, ठीक है ना, कल बोर्ड पे करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे का कार्यक्रम देखते हैं, 3 मिनट बचा है, 4 मिनट। देखो अब हमारा क्या था टास्क, कि सर मार्कशीट जैसा प्रिंट होता हुआ दिखना चाहिए, यही ना? हेलो। यस सर। यस सर। प्रिंट एफ, और देखो इसमें क्या ले लो,
स्लैश एन करके अब क्या था PNTF क्या कर दो अब क्या लिखोगे जी बोलो ना ना पहले मार्कशीट ना मार्क्स मार्कशीट स्लैश एन मार्कशीट और लो स्लैश टी भी कर लो अच्छा लगेगा और ठीक है हो गया अब फिर से प्रिंट एफ स्लैश एन फिर से ये वाला ऐसे ही दिखाया था ना yes, याद आ रहा है जी हाँ यस सर आ गया अब पहली बारी में क्या प्रिंट करना है आपका नाम यही ना प्रिंट एफ योर नेम नेम क्या कर दें परसेंटेज एस कॉमा नेम किस में रखा था एनएम में इसी में रखे थे ना अब क्या है प्रिंट एफ ए भाई टाइम भी खत्म होने जा रहा है संश्लेषण कर लो टाइम खत्म हो जाए तो कल बता देंगे घबराने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी फ्लैशन एफ ए डी एच ई आर फादर नेम फादर्स कर देंगे बाद में अभी नहीं टाइम नहीं है परसेंटेज एस और यही दोनों हम दिखा रहे हैं तत्काल ठीक है क्योंकि फिर कट जाएगा जी फादर्स नेम के लिए क्या लिए थे एफ एन ना एफ एन सर इतना ही तक दिखा दे रहे हैं बाकी आप लोग बना ही लीजिए अगर होशियार होंगे तो है ना चलो रन करवाते हैं इसको टाइमली हो गया बहुत बढ़िया ये लिया मान लेते हैं कुछ भी नाम ले लिया राम एस एच वाई एम श्याम अरे बाप रे कुछ भी ले लो जी फाइव सब्जेक्ट 78 देखो ऐसे दिख रहा है नीचे में यस सर हाँ ऐसा ही दिखाना चाहते हैं अब कट जाएगा इसलिए हम पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं ऐसा ही चाहिए था ना बाकी सब एंट्री yes, करवा लेंगे ऐसे ही यस सर हो जाएगा हाँ तो करवा लीजिएगा क्योंकि अब खत्म होने वाला है ये देखो आयशा अब आए हैं जब क्लास खत्म हो गया है बहुत बढ़िया ठीक है तो ऐसा ही कर लीजिएगा बाकी हम अगर नहीं होगा तो फिर अगले दिन फिर से करेंगे बाकी हमको लगता हो जाना चाहिए अब तो देखो सुंदर नहीं लग रहा है लग रहा है सर हाँ पूरा लिख लोगे ना और सुंदर लगेगा